Welcome to IMPROVISED LEARNING POINT. आज हम IMPROVISED LEARNING POINT में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आज हम हमारा जो ये सेशन है इसमें हम आपको बेसिकली क्लियर करवाएंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक्चुअली में होता क्या है इसका जो बेस है वो आपको हम क्लियर करवाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एटम क्या है, परमाणु क्या है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और इसकी यहाँ टेल भी अटैच कर रखी है। तो जस्ट आपको इसे एक बलून कंसीडर करना है कि जो एटम है या परमाणु है उसका जो शेप होता है वो एक बैलून जैसा होता है और बैलून के सेंटर में हमने लिखा है पी और एन। पी के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज मतलब आवेश, पी के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का और N के ऊपर चार्ज होता है नो चार्ज। नो चार्ज होने का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज जो हमें समझना है वो ये समझना है कि चार्ज या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, जो यहाँ आप देख रहे हैं। चार्ज मतलब आवेश, तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो P पे प्लस का आवेश होगा, चार्ज होगा, और N पे कोई भी नहीं है। नो चार्ज का मतलब, नो चार्ज का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे जो P है इसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं और जो N है इसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आइए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे परमाणु एटम के एकदम बाहरी किनारे पर होते हैं, जो कि आप इसमें देख रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस तरीके से आपको ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि जो हमारा एटम है, परमाणु है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जस्ट एक बैलून लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर और बैलून के सेंटर के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। और प्लस का चार्ज याद रखना बहुत आसान है, पी से प्लस लिखते हैं तो पी के ऊपर प्लस का और एन के ऊपर नो चार्ज और ई के ऊपर माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली हम आपको ये बताएंगे कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। नंबर ऑफ पी इन द सेंटर ऑफ एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर हम उसे कहेंगे जितने पी हैं हमारे एटम के सेंटर में, जितने भी पी हैं बस उनकी संख्या। तो यहाँ पे अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये जो भी एटम है हमारा, जो भी परमाणु है, इसका जो परमाणु संख्या होगी या एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास क्या होता है। सम ऑफ द नंबर ऑफ द पी एंड एन इन द सेंटर ऑफ एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। अब इस पी और एन, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जितना भी नंबर होगा वो होगा इसका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड्स की हेल्प लेती हूं। ये देखिए, यहां से आपको परमाणु द्रव्यमान बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या आपको क्लियर हो गया कि जितने भी सेंटर में पी होंगे उतना ही उसका परमाणु संख्या होगा। और अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, जो एटॉमिक मास है, वो देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। जस्ट यहाँ पे मैंने ये ग्राम ले रखा है, ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए ग्राम ले रखा है, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है, उसका जो यूनिट होता है वो यूनिफाइड मास होता है।
यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ये जीएम ले रखा है, ग्राम ले रखा है। तो अब समझिए कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता क्या है एक्चुअली। अगर मान लीजिए कि ये हमारा एटम है, अगर एटम को हमने बलून कंसीडर किया है, अगर इस बलून का हम अगर वेट करने जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0 ग्राम हमें मिलता है, 0 के नियर बाय ही मिलेगा, ठीक है। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है और उस एक्टिविटी के अंदर हमें 10 छोटे छोटे स्टोन लेने हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हमें जो 5 स्टोन होंगे उनके ऊपर, सॉरी जो 6 स्टोन होंगे उनके ऊपर हमें लिखना है पी, और जो बाकी के 6 स्टोन होंगे उनके ऊपर हमें लिखना है एन, और जो स्टोन होंगे वो सारे ही 1-1 ग्राम के होंगे, क्लियर। अब देखिए जब हम पी वाले अपने जो 6 स्टोन हैं 1-1 ग्राम वाले वो इस बलून के अंदर अगर हम डाल देते हैं, तब इस बलून का अगर हम वेट करेंगे तो इस बलून का वेट आएगा 6 ग्राम, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम फिर जो जो हमारे बचे हुए ये एन है, 6 एन वाले जो पत्थर हैं, अगर हम उन स्टोन को ऐड कर देते हैं इसके अंदर, अब इस बलून का टोटल वेट हो जाएगा 6 ग्राम, तो हो जाएगा पी वाला और 6 ग्राम हो जाएगा एन वाला, तो टोटल मिला के हमारा 12 ग्राम हो जाएगा इस बलून का वेट। तो इसी तरीके से हमें ये समझना है कि जो एटम है उसको जस्ट एक बलून लेना है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको हमें इस स्टोन वाले एग्जांपल से ज्यादा हमें क्लियर हो गया कि कैसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सिर्फ संख्या को ऐड करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास निकल जाता है। एक्चुअली जो हमारे इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका भी अपना मास होता है, और वही मास ऐड हो जाता है तो हमारा बन जाता है एटॉमिक मास, जो कि आपको यहां से क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कहाँ लिखते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो एक्स है ये एलिमेंट के लिए यूज किया गया कि जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल यहाँ पे लिखेंगे, और ए से एटॉमिक मास हो जाएगा और जेड से एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बहुत आसान है, हम लिखते हैं ना एबीसीडी, तो ए को हमेशा ऊपर लिखना है हमें और जेड को हमेशा नीचे लिखना है, और ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। वैसे भी हमारा एटॉमिक मास जो है वो हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो एटॉमिक नंबर होगा वो सिर्फ प्रोटॉन की संख्याएं होंगी कि कितने प्रोटॉन हमारे एटम के सेंटर में हैं, तो ऑब्वियसली ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाली जो संख्या होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और जो कम वाली संख्या होगी उसको हम नीचे रखेंगे, और ये लेफ्ट साइड होगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है ये भी एग्जाम्स में। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल जो पी की काउंटिंग है वो है हमारी 6, तो 6 लिखेंगे हम यहाँ, जेड इज इक्वल्स टू 6, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 6, और जैसे ही एटॉमिक नंबर 6 है तो वैसे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा एटम है वो कार्बन एटम है। अब एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम, क्यों 12 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 और 6 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 12 यूनिफाइड मास हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा किसका, कार्बन एटम का। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक और चीज जो क्लियर करने जा रही हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है कि वो कैसे हम निकालेंगे, बहुत ही आसान है। अभी हमने पीछे समझा कि ये देखिए अभी हमने पीछे समझा कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम के सिंबल को एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। तो अगर एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है और जो जेड है हमारा ये सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं,
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हमें माइनस कर देना होगा और हमें हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने कार्बन के दो आइसोटोप ले रखे हैं। आइसोटोप का बेसिकली ये मतलब होता है कि उनके जो एटॉमिक नंबर हैं, जो परमाणु संख्या है, वो तो इक्वल रहेंगे, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये देखिए, यहाँ पे एटॉमिक मास है, इसका है 12 यूनिफाइड मास और इसका है 14 यूनिफाइड मास। बट ये कैसे हो गया, कार्बन ही है और ये कैसे हो गया, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा आइसोटोप होगा, आइसोटोप के अंदर जो समस्थानिक होंगे, हिंदी में आइसोटोप को समस्थानिक कहते हैं, तो जो समस्थानिक होंगे उनका स्थान जो होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब कि जो परमाणु संख्या है यहाँ पे ये सेम होगी, जैसे यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी दोनों में 6-6 होंगे क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों सेम है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है प्रोटॉन का, यहाँ पे प्रोटॉन है 6 और यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, सॉरी प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, ठीक है, प्रोटॉन 6 है, यहाँ पे भी 6 है। जो डिफरेंस होगा वो होगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन यहाँ पे होंगे 6 और यहाँ पे होंगे 8। और इस तरीके से जब हम एटॉमिक मास के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करेंगे तो ये 6 और 8 मिलकर 14 हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 6 मिलकर 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं, जस्ट हमें एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देना है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और काफी सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं।